घटनाक्रमों को लेकर के श्री जयराम रमेश और श्री मल्लिकार्जुन खड़के जी की प्रतिक्रिया आई है, जिन्होंने नीतीश कुमार जी पर राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी, उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़के का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी, तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। कांग्रेस के उसी कॉकस ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया, यद्यपि श्री खड़के जी ने बाद में उसको खुद ही अस्वीकार कर दिया। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोकदल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले दो लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व थे इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं, वो इनके विकास में रोड़ा है। और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। और कैसे ये नेतृत्व हड़पना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो कांग्रेस के राज हैं, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और आसाम में किसी भी पार्टी के साथ सीटों की कोई तालमेल नहीं होगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और जो क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो अर्जित की गई राजनीतिक भूमि है, उस पर डाका डालने के लिए डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से हिस्सेदारी मांग रहे हैं। यूपी, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, वहां उनकी यूपी एक सीट, बिहार एक सीट और पश्चिमी बंगाल दो सीट, महाराष्ट्र एक सीट, दो या तीन सीट तमिलनाडु, और सब जगह इनकी डिस्प्रोपोर्शनेट डिमांड है। और इसलिए गठबंधन हमारे साथ भी नहीं हो पाया और ना इन दलों के साथ होगा। मैं श्री अखिलेश यादव जी के उस बयान से सहमति रखता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि वार्ता पहले से ही शुरू करके सीटों की तालमेल पर करनी चाहिए थी। हम संयुक्त लोकदल में रहे हैं, जनता दल में रहे हैं, सपा भी जिसमें हिस्से थी, आधा दर्जन एमएलए राजस्थान में, आधा दर्जन एमएलए मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में तमाम लोकदल का राजकाज हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सबको नीचा दिखा करके इसको हड़पना चाहता है। हमें अफसोस है और राहत भी है कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माता था,
जो पहला संयोजक था, आज उन्होंने और जनता दल यू ने इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है और एनडीए के गठबंधन में हम आज से शामिल हैं। 27 सितंबर 2022 अब से 1.5 साल पहले चौधरी देवीलाल जी की जयंती थी हिसार में, उसमें मैं भी नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी यादव जी के साथ उपस्थित था। जितने भी वहां पर नेता थे सबसे नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करो। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, समाजवादी पार्टी ऑफ अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव की पार्टी, इन सब ने गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी मोर्चे बनाने के प्रयास किए थे। इसी प्रस्ताव को लेकर के चंद्रशेखर राव पटना गए थे नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए। नीतीश कुमार जी ने तब भी चंद्रशेखर राव जी से कहा था कि कांग्रेस पार्टी को रखो। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कोकस था उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।